उधर माउंट आबू भी अब लापरवाही की खबरों से छूता नहीं है। हालांकि प्रशासन यहां दावा कर रहा है कि यहां पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही हकीकत को बयां कर रही है। रेस्टोरेंट में खाना खाते बेखौफ लोग, सड़कों पर घूमते फिरते बेपरवाह और लापरवाह सैलानी। तस्वीर राजस्थान के माउंट आबू की है, जहां कोरोना की पाबंदियों पर मिली छूट के बाद लोग इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं कि हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी और अभी भी उसका असर खत्म नहीं हुआ है। कहां पे मास्क? फिर अब घूमने आए हो, मास्क नहीं पहन रहे हो। अनलॉक के बाद नैनीताल से लेकर मनाली तक इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। माउंट आबू में भीड़ के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, ना ही किसी को भी जिम्मेदारी का एहसास है। प्रशासन का दावा है कि प्रोटोकॉल के तहत लोगों की जांच हो रही है। हमारी कोशिश है कि जो आरटीपीसीआर का जो नियम है कि 3 दिन पुरानी या तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट या 28 दिन पुरानी आपकी सेकंड डोज लगी होनी चाहिए, इसका सर्टिफिकेट हम रैंडमली यहां पे चेक कर रहे हैं लोगों का हमारे नाके पे। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बताया जा रहा है कि वीकेंड होने की वजह से माउंट आबू में सैलानियों की भीड़ में ज्यादा इजाफा हो रहा है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।